फ्रेंड्स, मैं प्रीति, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अल्पना साई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक झटपट नाश्ता जो फटाफट बन जाता है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। आज मैं बनाऊंगी क्रिस्पी स्वीट कॉर्न नाश्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें उसकी हैं स्वीट कॉर्न बनाने के लिए। स्वीट कॉर्न लिया है, नमक लिया है, लाल मिर्च है, कॉर्नफ्लोर है, नमकीन है, कोई भी नमकीन आप यूज़ कर सकते हैं, धनिया का पत्ता है जिसे अच्छे से चॉप कर लिया है, ऑयल जो है वो फ्राई करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले मैं इस स्वीट कॉर्न को बॉईल करूंगी। यहाँ पे मैंने 2 कप वाटर लिया है बॉईल होने के लिए और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब ये इसमें उबाल आने लगेगा तब मैं इसमें ये स्वीट कॉर्न जो है वो ऐड करूँगी। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें जो स्वीट कॉर्न है वो मैं इसमें बॉईल होने के लिए डाल दूंगी और इसे मैं 5 से 6 मिनट तक बॉईल होने दूंगी। सारे स्वीट कॉर्न इसमें डाल दूंगी। अब इसे मैं इस तरह से 5 से 6 मिनट तक बॉईल होने दूंगी। यहाँ पे 5 मिनट कंप्लीट हो गया है और जो ये स्वीट कॉर्न उबालने के लिए रखा था वो देखिए अच्छे से फूले फूले से दिख रहे हैं। अब मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूंगी और इसका जो पानी है वो निकाल लूंगी। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर से पानी निकाल लिया है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें मिक्स करूंगी। ये कॉर्नफ्लोर, नमक, लाल मिर्च, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस पर अच्छे से इसकी जो कोटिंग है वो हो जानी चाहिए और जो इसमें पाउडर है वो नहीं दिखना चाहिए और इसको मैं अच्छे से बना लूँगी। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं और मैंने यहाँ पे कढ़ाई जो है गरम होने के लिए रख दी है और ये गरम हो गई है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल को थोड़ा सा गरम होने दूंगी। अब मैं इसमें ये जो स्वीट कॉर्न है उसको फ्राई करने के लिए डाल दूंगी और फ्लेम जो है वो कम लो रखिएगा, लो से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा फ्लेम पे नहीं पकाना होता है। अब इसको मैं फ्राई करूँगी और इस तरह से मैं इन सबको अलग कर लूँगी। मैंने इसको 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लिया। अब मैं फ्लेम थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा रख कर दूँगी और इसको 2 मिनट तक और पकाऊँगी। इसी तरह से यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं और ये पूरी तरह से एकदम क्रिस्पी हो गया है। अब इसका फ्लेम जो है मैं लो करके इसको निकाल लूँगी इस पर तरह से। और इस तरह से करते हुए कढ़ाई से इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में चला जाएगा। जो बचे हुए हैं उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। यहाँ पे मैंने सारे स्वीट कॉर्न जो थे उनको फ्राई कर लिया। अब मैं इनकी गार्निशिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें ये धनिया पत्ता डाल दूँगी, ये नमकीन, थोड़ा सा चाट मसाला। अब इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी।
और ये क्रिस्पी स्वीट कॉर्न सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म खाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।